स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस। आज वहीं से छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से? एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी हमारी। हमने दो क्वेश्चंस किए थे फॉर्मिंग इक्वेशंस के बारे में, थोड़ी बातें की थी, थोड़ा लॉजिक बताया था, थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से बताया था, और सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हो पाए थे क्योंकि वो क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था टॉपिक डिस्क्लेरेशन। चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कल बोला था, बार-बार बोला है और बोलता रहूंगा कि क्वेश्चंस ये स्पेशली ये टाइप वाले क्वेश्चंस में जो फॉर्मिंग इक्वेशंस के है, सबसे पहले क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो, क्वेश्चंस रीड करो, क्वेश्चंस कंप्लीटली रीड करोगे, अंडरस्टैंड करो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चाहे चार बार पढ़ो यार, लेकिन क्वेश्चन समझ आ गया तो इजी इजी इजी। क्या इजी? क्या आंसर ढूंढने जो प्रोसीजर है, मेथड है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगी। तो क्वेश्चंस पहले समझो और उसके हिसाब से करो। बहुत बार बोला है पर बोलता रहूंगा। चलो चलो क्वेश्चंस में चलते हैं। क्या है हमारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बर्ड इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैर मतलब क्वेश्चंस पूरा रीड कर ले। द पैरामीटर ऑफ, मैं हमेशा अंडरलाइन कर लेता हूँ कुछ वर्ड पे जो आपको याद रखने कहीं पे आ सकते हैं रिपीट। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/24 × 2/50 सेंटीमीटर। डिफरेंट फॉर्म में दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मैंने बोला क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द रिमेनिंग बची हुई इक्वल साइड्स। यहीं पे इसका आंसर मिल गया। पता है क्वेश्चंस अच्छे से रीड करोगे तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा, आप गलती बहुत कम करोगे। क्या है आइसोल, अगर आपको आइसोलेशन ट्रायंगल के बारे में सपोज नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, तो यहां से लॉजिक लगा सकते हो यार क्वेश्चन से। क्या है इक्वल साइड्स, जो दो साइड्स ढूंढनी है वो दोनों इक्वल है, मींस एक मिल जाएगी तो दूसरी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यही बात है क्वेश्चंस रीड करने को क्यों बोल रहा अच्छे से, बस यहां के लिए। देखो अगर ये वर्ड नहीं पता हो आपको तो यहां से हेल्प हो जाएगी यार। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं लेकिन क्वेश्चंस अच्छे से रीड करके बता रहा हूं कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मींस होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस होता है हमें एक ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसे बोलते हैं बेस। ओके तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो ऑपोजिट होती है वो इक्वल होती है, एक ये वाली और ये वाली। ऐसा जरूरी नहीं ये दो साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं, ये दो साइड भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बेस बोला, बेस बोलते हैं। तो ये दो साइड इक्वल है, तो जब दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल इज बेस। हमें बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो ये बेस क्या है हमारा, 4/3 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें गिवन है एग्जांपल। द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर। पेरिमीटर कल बताया था क्या है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, वो ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पेंटागन, कोई भी हो, उनकी सब साइड्स का सम कर देंगे टोटल तो हमें पेरिमीटर मिल जाएगा। तो वो दिया है लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, मतलब हमें इसकी भी लेंथ ढूंढनी है और इसकी भी। तो सपोज मैं ये x लूंगा, लेट बी अ वन साइड ऑफ x, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली x हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है इक्वल साइड्स। तो हम ऐसे ही करेंगे, क्या लेंगे, लेट बी, लेट द इक्वल साइड्स बी x। ओके x थोड़ा बढ़ा लिया, मतलब जो इक्वल साइड्स है उसको मैंने x ले लिया, ये x लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। सिर्फ मुझे x फाइंड करना है, बाकी का आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा।
तो बोला है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो वहां से आइडिया हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो अंडरस्टैंड करो। चलो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है ट्राइंगल की हमें? वो दिया है 4 × 2/15 सेंटीमीटर। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स, थ्री साइड्स है, कौन सी कौन सी? एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3। ओके, इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारे 15 × 4 ऐसा होता है, 15 × 4 60 60 + 2 62, ये पता है आपको, पढ़ चुके हो यार। एक्स प्लस एक्स 2x + 4/3। अब मैं यहां पर एलसीएम लेना होगा, मैं यहां पर एलसीएम लू, इससे अच्छा है ये 4/3 को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लाकर एलसीएम ले लू, उससे मुझे इजी हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा यार, इजी बन 2x। अब 3 × 15 का एलसीएम होगा 15, तो 3 यहां पर 5, तो यहां भी 5 होगा, तो यहां भी 5 होगा। ओके, यहां पर 1, यहां पर करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या है 15 यहां पे तो इनटू 1 होगा। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में ऐसे, ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं लिखना है, सीधा एलसीएम लेंगे। 62 × 1 62, 15 × 1 ये तो बाद में, 4 × 5 20, और नीचे हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा 2x। ओके, देखो 62 × 5, 3 × 5 15 हो जाएगा, 4 × 5 20, 20 नीचे होगा 15, 2x 2x। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा 2 × 42 / 50 = 2x। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? ये मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट कोई भी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, आपको एक स्टेप और लिखना है, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख। ओके, तो x यहाँ पर 2 × 21 21 × 2 = 42। अब और चलेगा, यहाँ पर 3 से 5, यहाँ पर 3 से 7, तो x क्या हो जाएगा 7/5, लेकिन क्या हो जाएगा 1, क्यों क्यों ऐसा लिखा मैं? क्योंकि मुझे पेरीमीटर इस फॉर्म में दिया हुआ, इसलिए मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे किया नहीं बताओ तो बताता हूँ यार, टेंशन नहीं लेना। चलो 5 7, ओके यही होगा, नहीं होगा यार, 5 × 1 = 5 2, डिवाइडर के साथ यहां पर आएगा। ओके, तो ऐसे होगा, तो क्या होगा, 1 पहले लिया, 2/5 मैंने बताया था, ऐसे चलेगा, ठीक है, नहीं पता हो तो नोट कर लो। तो क्या बोलेंगे हम, रिमेनिंग इक्वल साइड्स आर 1 × 2/5 सेंटीमीटर, लिखना बहुत जरूरी है, मैंने बोला था सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सम, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेना है, इस सम में बहुत कुछ सीखने को मिला, नोट करते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला इजी क्वेश्चन है तो इसमें टाइम नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन हार्ड है मतलब हार्ड नहीं बोल सकते, अच्छे वाले हैं उनमें टाइम लेंगे। क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर है जिनका सम 95 है, इफ वन एक्सीड्स द अदर, एक्सीड्स यानी बोल सकते हैं ज्यादा, मोर देन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे न्यू वर्ड, एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर सपोज x है तो दूसरा वाला 15 ज्यादा है, मींस x प्लस 15 है, तो फाइंड द नंबर। तो चलो लेट वन नंबर इज x, सो सेकंड नंबर
क्यों? x is the exceeds other by 15, more than की जगह पर new word दिया exceeds, याद रखना ये word भी। चलो फिर क्या है, sum of two numbers is 95, x plus 15 तो 95, यहाँ पे होगा 2x plus 15 is equal to 95, 2x 15 right side जाएगा तो क्या हो जाएगा minus, क्या हो जाएगा 2x is equal to 80, then x is equal to 80 by 2, तो x हो जाएगा हमारा 40, ओके यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया है इसलिए 40 होगा। चलो एक नंबर मिला, आंसर भी क्या लिख सकेंगे, लिखेंगे द वन नंबर इज 40 and second number is 13, सही है? Second number is क्या होगा यार, x plus 15 है यार, तो क्या होगा 14 plus 15 यानी क्या होगा 5, ये होगा क्योंकि second number is x plus 15, x is equal to 14, तो ये हमारा answer। क्वेश्चन नोट कर लो, इजी वाला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, जेम बोलते हैं 5:3 बोलते हैं इसे, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। न्यू चीज है, क्या है 5:5:3 मींस रेशियो, तो जब भी रेशियो हो, कोई भी रेशियो हो इस फॉर्म में हो तो हम इसे लेट यानी कैसे सब में लिखेंगे वो बता दूं। अगर अब सपोज 1:3 है तो इसे लिखेंगे 1x 3x, अगर मेरे पास है 4:5 है तो इसे लिखेंगे 4x और इसे लिखेंगे 5, सब में हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 5:3 है तो इसे लिखेंगे 5x और इसे लिखेंगे 3x, सिंपल बस एक है ये, इसको हटा के, अरे इसको हटा के 5x x लगाना है बस यही करना है और कुछ नहीं है, तो इसे हटा दो। पर अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन, तो टू नंबर्स है ठीक है, तो लेट one number be 5x and the second number or other number भी लिख सकते हैं, second number be 3x, okay? क्योंकि ratio में, okay? इसे ऐसे भी लिखते हैं, 5:3 है, इसे बोलेंगे 5:3, ये others में ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ information के लिए बता रहा हूँ, ऐसे confused मत हो जाए। चलो क्वेश्चंस पे चलते, तो लेट वन नंबर बी है 5x, सेकंड नंबर बी है 3x, अब आगे बढ़े, इफ दे डिफर बाय 18, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 18, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, 5 - 3 2x इज इक्वल टू 18, x हो जाएगा हमारा 18 बाय 2, 2 9 जा 18, x हो जाएगा हमारा 9, सिंपल x 9, तो हमें पूछा है व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है हमारे, कई बच्चे मैं आपको बताता हूं बस इतना करेंगे और छोड़ देंगे, उन्हें लगा आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत से बच्चे मुझसे करते हैं ये वाले सब, बस x हो गया उनका ऐसा होता है, उन्हें हमेशा ऐसा होता है x मिल गया नहीं आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता है, नहीं जो पूछा है वो ही ढूंढो, क्या पूछा है वन नंबर भी है 5x है, आपको नंबर्स पूछे, मतलब एक नंबर आपने 5x किया है दूसरा 3x है, तो आंसर ऐसे नहीं होगा, आंसर होगा वन नंबर इज 15x मींस 15 इनटू x क्या है 9, सॉरी 5x, 5 इनटू 9 45, द सेकंड नंबर इज
3x means 3 into 9, 27. तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये नहीं काफी बच्चे यही रहने हैं। चलो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स? क्या वर्ड है न्यू? कंसेक्यूटिव क्या है कंसेक्यूटिव? आई होप सो आपको तो आप मोस्ट ऑफ को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उसे बता रहा हूं ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग होता है कंप्लीटली 3 मींस किसी चीज है कोई तीन, सपोज दो चीज है या तीन चीज है, सपोज तीन चीज हमने ले ली और वो जो तीन चीज है वो एक के बाद कंपलसरी एक ही आना चाहिए। मींस कंफ्यूजिंग है, आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे है 3 नंबर्स 5, 6 और 7, इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है। 5 के बाद 6 ही आता है और 6 के बाद 7 ही आता है। मींस तो ये 3 हो गए हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं, यस ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर मैं 7 8 9 की बात करूं या 8 9 10 की बात करूं तो ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। तो 3 की पैर ले रहा हूं, 4 भी हो सकता है, जैसे 5 6 7 8 भी हो सकता है, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर से, लेकिन 1 7 9 ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 होता है, 7 नहीं होता। मींस कोई भी नंबर्स कंसेक्यूटिव तब होंगे जब परफेक्टली उसके बाद वही आता हो, जैसे 5 6 7, 100 100 101 101 और 102, ये भी कंसेक्यूटिव है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया हो। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब ये हुआ कि 3 है हमारे पास, 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका सम 51 है, तो कोई भी हो सकते हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूं? लेट मुझे ये 5 6 7 वाले इंटीजर्स है, इन्हें x के फॉर्म में लिखना, मतलब हमें नहीं पता कौन से है यार, सिंपल हमें थोड़ी पता, ये तो मैंने ले लिया 5 6 7, यहां पर थोड़ी पता है कौन से 3 है। तो मैं 5 को सपोज x लूं, ठीक है 5 को x लूं, तो 6 को क्या लूंगा? x plus 1 लूंगा और 7 को x plus 2। क्यों? देखो देखो यहां पर 5 को x, तो 5 x है, ठीक है 5 is equal to x, तो 5 plus 1 क्या होगा? 6 होगा, means 5 is equal to x plus 1 तो हो गया ना x plus 1। 7 है तो क्या होगा? x plus 2 होगा क्योंकि 5 plus 2 7 होता है, इसलिए consecutive number को ऐसे लेट करते हैं। चलो ये न्यू कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं यार। क्वेश्चंस क्या है? 3 consecutive integers, let 3 consecutive integers be x, x plus 1 or x plus 2। अगर 4 consecutive पूछा हो तो x plus 3 होगा, 5 पूछा होगा तो x plus 4 भी होगा। So, इन सबका सम क्या है? 51 means x, x plus 1, x plus 2 is equal to 51। x कितने बार है? 3 times, 3x और ये है 1 plus 2, 3, 51। तो 3x होगा 51 minus 3, यानी 3x होगा हमारा, फिर माइनस 3 क्या होगा? 48 होगा ना, तो x क्या होगा? 48 by 3, x होगा हमारा 16। सिंपल, ये आंसर हो गया। नहीं हमें क्या पूछा? इंटीजर्स पूछा, मतलब x, x plus 1 और x plus 2। मींस आंसर क्या होगा? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x के 16
प्लस वन 17 और x प्लस टू 18, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर न्यू कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई और क्वेश्चन में वो रिपीट होता है तो, या रिपीट होगा 100% होगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो 2 दे देंगे, या 4 भी दे सकते, तो आपको यहाँ x प्लस 3 करना है। ओके, नोट कर लेना है।